सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी खैर खैरियत से होंगे। सो दोस्तों आज फिर से एक नई एडिटिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। सो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह इस किस्म की टी शर्ट वीडियो अपने मोबाइल पर क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों इस किस्म की टी शर्ट वीडियो आजकल टिकटॉक पर बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। सो दोस्तों वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है, एंड तक देखनी है ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। सो दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। सो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के लिए दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, गूगल ओपन किया। सो दोस्तों यहां पे आपने लिख लेना है वाइट टी शर्ट इन हैंगर, सर्च करना है दोस्तों। दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह की टी शर्ट्स आ जाएंगी और इस पर आपने क्लिक करना है दोस्तों। इस पर आपने क्लिक किया इस तरह। सो दोस्तों ये टी शर्ट की इमेज आपके पास आ गई इस तरह, और इस पर आप इस तरह दबा के रखेंगे। सो दोस्तों नीचे आपको डाउनलोड इमेज नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। सो दोस्तों ये डाउनलोड हो गई हमारे पास इमेज। उसके बाद आपने बैक चलना है। बैक चलने के बाद दोस्तों आपने सबसे पहले पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर आ जाना है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। सो दोस्तों सबसे पहले आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करेंगे। सो दोस्तों उसके बाद आपने प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और नीचे फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले हमने वो ये इमेज लेनी है। सो दोस्तों जो हमने डाउनलोड की थी अभी, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये टी शर्ट वाली इमेज ले लेंगे। सो दोस्तों नीचे गुड पे क्लिक करेंगे और इस तरह नीचे इसको लाएंगे, ठीक है, इस तरह। सो दोस्तों उसके बाद आपने फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और नीचे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों अब ये हमने स्क्रीन शॉट पर क्लिक करना है। अभी जो हमने टिकटॉक का जो स्क्रीन शॉट लिया है वो उस पर क्लिक करना है, और ये स्क्रीनशॉट रहा हमारे पास। तो दोस्तों नीचे फिर से गुड पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको लाके इसके ऊपर अच्छी तरीके से फिट करना है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में आ जाना है और यहाँ पे क्रॉप करना है इसको। मैं थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे बटन वगैरह दिख रहे हैं और ऊपर मोबाइल के टाइमिंग वगैरह, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। नीचे गुड पे क्लिक करेंगे। सो दोस्तों उसके बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा और इसको हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से फिट कर लेना है। सो दोस्तों सो ये रहा, फिट हो गया दोस्तों हमारे पास। सो उसके बाद दोस्तों थोड़ा आगे आना है और आगे आएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इरेज कलर, इरेज कलर पे क्लिक करेंगे। सो दोस्तों ये डिसेबल है और इसको इनेबल कर देंगे और गुड पे क्लिक करेंगे दोस्तों। सो ये हमारा जो स्क्रीनशॉट था वो मुकम्मल तौर पर शर्ट के ऊपर आ चुका है। सो दोस्तों उसके बाद आपने जो है अब ये हमारा ये काम हो गया। सो दोस्तों उसके बाद आपने ऊपर आपको डब्बा सा नज़र आ रहा है प्लस वाले आइकन के साथ, इस पर क्लिक करेंगे। सो दोस्तों नीचे सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे। सो दोस्तों ये हमारा इमेज जो है सेव टू गैलरी हो जाएगा, गैलरी में हमारी इमेज सेव हो जाएगी। ये काम हमारा हो गया दोस्तों। उसके बाद हमने टिकटॉक पे आ जाना है। टिकटॉक पे जो ही आएंगे सो दोस्तों यहाँ पे नीचे डिस्कवर पे क्लिक करना है और उसके बाद ऊपर सर्च बार में आपने लिखना है होला स्लो टेम्पलेट। होला स्लो टेम्पलेट लिख दिया। तो दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पर इस वाले टेम्पलेट पर क्लिक करना है, इस पर जो ही क्लिक करेंगे नीचे कैप कट पर क्लिक करना है।
कैपकट पे क्लिक करेंगे सो दोस्तों ये आपके पास होला स्लो टेम्पलेट आ जाएगा। सो दोस्तों उसके बाद यूज टेम्पलेट इन कैपकट पे क्लिक करना है। सो दोस्तों ये आपके पास कैपकट ओपन हो जाएगा, उसके बाद नीचे यूज टेम्पलेट पे क्लिक करना है दोस्तों। और अभी यहाँ से वही वाली इमेज लेनी है जो दोस्तों अभी आपने डाउनलोड की थी, और सॉरी जो अभी आपने जो एडिट की थी बनाई थी जिसके ऊपर आपने स्क्रीन शॉट फिट की थी, ये इमेज आपने 3 बार सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है और ये आपके पास तो ये इस किस्म की वीडियो आपकी आ जाएगी, देख सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट विदाउट वाटर मार्क पे क्लिक करना है, ये आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई। अब दोस्तों आपने फिर से बैक चलना है, यहाँ से बिल्कुल बैक चलना है। तो दोस्तों दोबारा से टिकटॉक ओपन करना है, टिकटॉक ओपन करेंगे सो दोस्तों यहाँ पे नीचे दोबारा डिस्कवर पे क्लिक करना है और ऊपर सर्च बार में दोस्तों आपने फिर से ओला स्लोप टेम्पलेट पर क्लिक करना है, इसी वीडियो पे दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ से नीचे अब इसका म्यूज़िक जो है ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये म्यूज़िक आपने यूज़ करना है। इस म्यूज़िक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यूज़ दिस साउंड पे क्लिक करें और उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों यही वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जो अभी आपने एडिट की है। यहाँ पे दोस्तों एरो वाले निशान पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे वॉल्यूम पे क्लिक करना है। इसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो है ये आपने 0 कर देना है और एडिट वॉल्यूम जो है साउंड जो है सॉरी इसको आपने फुल करना है और गुड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिर से जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सो हमारी वीडियो तैयार हो जाएगी। सो दोस्तों और उसके बाद आपने नीचे पोस्ट पे क्लिक करना है और पोस्ट करना है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।